समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व MLC काशीनाथ सिंह जी, कुंभेर चंद जी और जसवंत नगर ब्लॉक के सभी पदाधिकारीगण, प्रधानगण, DDC सदस्य लेकर के जसवंत नगर ब्लॉक के सभी यहाँ पर जितने भी ये बैठे हैं सभी पदाधिकारीगण हैं और जसवंत नगर ब्लॉक के सभी नेता भी हैं, ये सब नेता हैं। सैपई ब्लॉक के सभी ये नेता बैठे हुए हैं और आज ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। वैसे तो मुख्य मुख्य लोगों की बैठक हम कर चुके हैं और आज हम कोई लंबा भाषण भी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी मैनपुरी के बहुगांव विधानसभा में मीटिंग भी लगी है। हम बहुत संक्षेप में एक दो बातें कहना चाहते हैं। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, जब भी हम यहाँ पर बैठते हों या जसवंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे तब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हो। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है। रिस्पेक्ट देने MLA ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी तो फिर रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बंटवारा पर उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसवंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं और केवल बिजली के छापे और छापों के साथ साथ जुर्माना मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है
वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और दीन से बड़ी कराना है। बताओ बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया, नहीं किया, तो फिर रहमत तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ, झूठ नहीं। आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। बोट को, अरे मरी यार, इतना बेवकूफ हो। तो एक बार और उठाना पड़ेगा। अरे मालिक, अब तो तरवाचा हो गया है। और ये तरवाचा फिर आपको 5 तारीख को साबित करना है। जब रिजल्ट आए तो पहले कितने की जीत हुई थी? 91,000, लगभग 91,000 थे। 91-92 की हुई तो 92 का रिकॉर्ड तोड़ देना, 91 की हुई तो 91 का तोड़ देना। बताओ तोड़ोगे? नीचे तलवार, बताओ तोड़ोगे? सर नीचे, बताओ तोड़ोगे? अब जे भी तिरवाचा हो गया। तो इसलिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियों को झेल चुके हो कई बार। और जब जब ऐसी चुनौती अगर किसी सरकार ने दी है तो बताओ जसवंत नगर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके विजय हासिल की है। बताओ विजय हासिल की है? कई बार जान पर खेल करके भी। इसलिए बहुत साजिश भी हो सकती है, बहुत साजिशें हो सकती हैं। खुद झगड़ा आपस में करेंगे तो बचाने भी मर जाना, ये भी साजिश हो सकती है। खुद झगड़ा करें, साजिश करें और कैमरे में अगर तुम बचाने गए तो तुम्हारी फोटो आएगी और जो झगड़ा कर रहे उनकी फोटो नहीं आएगी। तो इस तरह की बहुत सी साजिशें हो सकती हैं। तो इसलिए अभी रोकने लगे थे। बताओ जनता तो आएगी अपने साधनों से, जनता तो अपने साधनों से आएगी। हम तो अपनी एक गाड़ी से चल रहे, हम तो एक ही गाड़ी से तो चल रहे, दो गाड़ी से तो चल ही सकते हैं। हम तब भी एक गाड़ी से चल रहे, तो इसलिए हमारी गाड़ी के पीछे आप कोई गाड़ी मत लगाना, कोई गाड़ी मत लगाना। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं पर भी कोई गाली भी दे तो उस गाली को फिर सुनना नहीं, कतई पास ही मत जाना और जवाब भी मत देना। और जवाब तो आपको देना है 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इन बेईमानों को जवाब देना है, जवाब देना है। तो इसलिए बहुत कुछ है, अब मुझे नहीं कहना है, अब उनको जाना है। उसके बाद हम और बातचीत बाद में आप लोगों से करेंगे, बैठे रहना, जाना नहीं, फिर हम लोग जल्दी छोड़ देंगे आपको, जल्दी छोड़ देंगे। तो इसलिए अखिलेश को जाना है, मीटिंग में जाना है। तो बताओ अब यहाँ पर प्रतिष्ठा का चुनाव है, डिंपल, डिंपल बहू है, बताओ बहू है। बहुत से लोग लड़के बैठे, नौजवान बैठे हैं, उनकी भाभी है, हम लोगों की तो आज नेताजी के अभाव में नेताजी की पहली मीटिंग हो रही है। आपको पता ही है नेताजी नहीं है। और मैंने तो हमेशा कहा है, हमें ने हमेशा कहा है, नेताजी के आदर्शों पर आप
हम सब लोगों को चलना है। नेताजी यहाँ पर नहीं है, नेताजी कहीं कहीं तो होंगे, आसपास होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, नेताजी का अंश हम सब लोगों में है, नेताजी का अंश हम सब लोगों में है। तो इसलिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी को मैंने तो कभी निराश किया नहीं है, कभी मैंने निराश नहीं किया है। तो अब नेताजी की जिम्मेदारी जो छोड़ गए हम सब लोगों पर, अब इसका नेतृत्व अखिलेश यादव जी को करना है। तो इसलिए हम बस इतना ही कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। और फिर बातें और बाद में होंगी, अभी तो जनसभाएं भी होंगी बड़ी, उसमें बातें और होंगी। जय हिंद।